हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट बिल लोन ऐप के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि अगर आप लोग क्रेडिट बिल लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं और उसका किसी भी कारण से रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या पुलिस घर पर आएगी, क्या केस होगा, ये जो लीगल नोटिस आता है क्या वो रियल नोटिस है या फिर फेक नोटिस है, कॉल कब तक आते रहेंगे, और फाइनली अगर हमेशा के लिए पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर हमारे साथ क्या मुसीबतें आ सकती है, और नहीं करने पर क्या हम लोगों को कुछ केस या जेल वगैरह हो सकता है कि नहीं। तो सारी वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट बिल लोन ऐप के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो क्रेडिट बिल लोन ऐप है वो NBFC से रजिस्टर्ड ऐप है और RBI से भी है रजिस्टर्ड। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो फिर ये लोन एप्लीकेशन वाले आपके सिविल में भी रिपोर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके सिविल में रिपोर्ट करते हैं और ये सिविल चेक करके ही आपको लोन का लिमिट प्रोवाइड करते हैं। आपको 5,000 से लेके यहाँ पे 2,00,000 तक का लोन आसानी से मिल जाता है। और अगर आप ये अमाउंट यहाँ से ले लेंगे लोन के रूप में और अगर EMI भर नहीं पाते हैं टाइमली तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कि एक तरह की RBI से और NBFC से ये रजिस्टर्ड ऐप है तो सबसे फर्स्ट केस में तो आपका जो यहाँ पे दोस्तों सिविल स्कोर है वो लो हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जो जानकारी आप लोगों का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोन जो मिलता है दोस्तों वो दो तरह के लोन मिलते हैं। पहला जो लोन होता है वो दोस्तों आपको सिक्योर लोन होता है, जिसमें कि आप प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं या फिर गाड़ी वगैरह पे लोन लेते हैं। और जो दूसरा लोन होता है वो इनसिक्योर लोन होता है, जहाँ पर आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, वो आपको पर्सनल लोन हो गया और साथ में मेडिकल लोन हो गया। तो ये सब लोन जो है वो अनसिक्योर है। तो ये आपने जो क्रेडिट बिल एप्लीकेशन से आपको कंपनी ने लोन दिया है तो ये भी एक तरह का इनसिक्योर लोन है, जहाँ पे आपने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। और इनसिक्योर लोन आपको कोई भी कंपनी देती है तो वो कंपनी अपने रिस्क पे लोन देती है, और अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो पैसा कंपनी को लॉस हो जाता है। ये बात आप लोग को दोस्तों जाननी चाहिए कि ये जो दोस्तों क्रेडिट भी आपको देती है ये पर्सनल लोन ये दे रही है, और अगर आप इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर ये पैसा कंपनी को लॉस हो जाएगा। कंपनी वाले क्या करते हैं, रिपेमेंट आप लोगों से करवाने के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पे उपाय ढूंढते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप वो लोग अपनाते हैं वो ये होता है कि आपको कॉल करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट पे भी कॉल करते हैं, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। और साथ ही में जो दोस्तों आपका रिपेमेंट अमाउंट है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। इंटरेस्ट रेट के साथ फाइंस लगना शुरू हो जाएंगे, ड्यू चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे, आपका जो रिपेमेंट अमाउंट है वो दोगुना से भी ज़्यादा हो जाएगा अगर आप लोग 2 या 3 महीने पेमेंट करने में ड्यू करते हैं तो। और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पे आपको कोई नोटिस आता है इस एप्लीकेशन की तरफ से और साथ ही में कोई पुलिस की तरफ से आता है मैसेज कि पुलिस आपके घर पे आने वाली है, तो दोस्तों ये मैसेजेस कंपनी वाले अपनी तरफ से आपको भेजते हैं। यहाँ पे कोई भी FIR आपके ऊपर नहीं हो सकती, ना ही आपको कोर्ट में कभी भी केस किया जा सकता है जिसके कि वो लोग मैसेज करें, तो ऐसा कुछ भी आपके साथ दोस्तों नहीं होगा। लेकिन आप अगर किसी भी कंपनी का पैसा ड्यू करते हैं तो वो कंपनी वाले चाहेंगे अपना पैसा रिकवरी करने के लिए, और इसीलिए आपके घर पे दोस्तों वो लोग रिकवरी एजेंट भी भेज देते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे घर रिकवरी एजेंट आ गया है अब क्या करें, तो दोस्तों ये रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये रिकवरी एजेंट भी दोस्तों फेक रिकवरी एजेंट है। और अगर ये आपके घर पे आ जाता है तो यहाँ पे आपको उससे ID प्रूफ मांगना है, अगर वो अपनी ID प्रूफ नहीं दिखा पाता है तो आप समझ जाइए कि वो फेक है। कोई भी आदमी ऐसे आपको उसकी डिटेल आपने दे दी है और वहाँ से आपको आपके आपसे पैसा मांगने की कोशिश करा तो ये एकदम ही इलीगल है, ये लीगल काम नहीं है। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कंपनी वालों ने अगर आपसे कोई लोन दे दिया है और आप उसका पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो यहाँ पे डरने वाली कोई भी बात नहीं है, आपके साथ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिविल स्कोर है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया जाएगा। लंबे समय में सिविल स्कोर को इतना ज़्यादा डाउन कर दिया जाता है कि फिर फ्यूचर में आपको कहीं से भी लोन, पर्सनल लोन कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जितने भी क्वेश्चन हैं तो उन सभी क्वेश्चन के लगभग मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि कॉल प्लस कॉन्टैक्ट कॉल ये इन लोगों का सबसे फर्स्ट फंडा है। दूसरा है नोटिस प्लस पुलिस केस की धमकी, तो ये FIR वगैरह की धमकी, तो ये सभी दोस्तों फेक है, इसमें से कुछ भी रियल नहीं है। साथ में बात करेंगे रिकवरी एजेंट, तो रिकवरी एजेंट दोस्तों जो आपके घर पे आते हैं वो भी फेक रिकवरी एजेंट होते हैं, उनसे जब आप लोग ID प्रूफ मांगेंगे तो ID प्रूफ के नाम पे आपको कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। अब ये सारे स्टेप्स कंपनी क्यों लेती है, ताकि वो अपना लॉस रिकवर कर सके, उस कंपनी को कम से कम लॉस हो। अगर आप ही किसी को लोन देते हैं तो वो भी क्या करेगा कि आप अब उससे लोन लेना चाहेंगे तो कुछ स्टेप्स अपनाएंगे, इसी तरह कंपनी भी कुछ स्टेप्स अपनाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है RBI से हो रजिस्टर या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पर्सनल लोन अगर आप नहीं देते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर लो होगा और कोई लीगल एक्शन आप पे नहीं ले सकता। इसी बात पर अगर हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली।